शहडोल जिले में अवैध कारोबारियों के बाद अब सूदखोरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कार्रवाई को जहां शंकरात का नाम दिया गया है, वहीं कार्रवाई के तहत जिले भर के ऐसे तमाम सूदखोरों का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी है जो कर्ज के नाम पर मासूमों को अपने चंगुल में फंसा कर लाखों रुपए का लूट लिया करते थे। बीते दिनों की गई कार्रवाई के बाद पुलिस ने बाकायदा शिविर लगाकर लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज करने का मौका दिया। सूदखोरों के खिलाफ शहडोल पुलिस की चलाई गई इस मुहिम के तहत आज जिले कोयलांचल क्षेत्र राजेंद्रा कॉलोनी में एक शिविर लगाया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। पुलिस ने बताया कि सूदखोरों के चंगुल में फंसे ऐसे कई लोग हैं जो इससे भयभीत होते हैं, जिसके कारण वह अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते और सूदखोर धीरे धीरे उन्हें दीमक की तरह खोखला करते रहते हैं। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और लोग बिना किसी डर से अपनी शिकायत दर्ज करा सके, इसलिए इस शिविर को लगाया गया है। शिविर में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने कई कोयला खदान कर्मियों ने अपनी पीड़ा सुनाई और शिकायत दर्ज कराई। दर्ज शिकायतों में सूदखोर उमाकांत मिश्रा, विश्व जायसवाल और जवाहर मुख्तार जेली और साथ ही में ब्रजवासी जैसे नाम भी सामने आए हैं। शहडोल पुलिस की इस कार्यशैली की जहां पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है, तो वहीं अब लंबे समय से सूदखोरी के जाल में फंसे लोगों की आस जाग गई है और उनके चुंगल से बाहर निकल सकेंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मैं देवशरण, फिल्टर प्लांट धनपुरी नंबर 3 में वाल मैन का काम करता हूँ। जी, मेरा धनपुरी नंबर 1 से चीफ हाउस अमरालंडी रेलवे कॉलोनी जीएम कॉलोनी में जितने भी अधिकारी हैं उनके घर में मेरा काम पानी चलाने का काम है। क्या समस्या है? मेरे को समस्या यह है कि जब मैं कल ड्यूटी पर था तो गैस गोदाम के पास एक नोटिस टंगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि जो आदमी थोड़ा बहुत कर्जा लेके जहाँ फंसे हुए हैं उनका निवारण के लिए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, एसपी साहब यार आ रहे हैं। तो मैं 10 बजे खैरहा में मंडप के पास आया तो मुझे एसपी साहब मिले, कलेक्टर साहब मिले और मैं अपने बारे में उनसे बताया कि साहब मैंने लड़की की शादी में कुछ पैसे मेरे पास थे और कुछ पैसे मेरे पास घट रहे थे, तो मैं मुद्रिका पटेल रेलवे कॉलोनी उर्फ कल्लू पटेल से मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी और मित्र भी है मेरा वह, लेकिन मुझे वह पैसा दे करके और मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। बोला वो मैं तुमसे इसलिए पैसा दे रहा हूँ कि तुम अपना काम चलाओगे, बाद में मुझे बताया कि मैं तुमसे इतना परसेंट ब्याज लूँगा। कितना लिए थे पैसा आप उनसे? मैं उनसे लिया था करीब 170,000 रुपया पहले लिया था, जिसमें 58,000 रुपया मैं उसको दे चुका हूँ। इसके बाद मैं पैसा उसको हर महीना 12,000-15,000 अभी तक देते भी आता हूँ, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि अपना पैसा अपना अकाउंट में डलवाइए तो बोलता नहीं, अकाउंट में हम नहीं डलवाएंगे, अकाउंट में डालोगे हम, मेरे को तरह तरह की धमकी देता है। यहाँ तक कि मेरे घर में भी जाकर वो मेरे बहुएं को, मेरे घर वाली को और मेरे बच्चों को धमकी देकर आया है और बोला मैं ये करवा दूँगा, तुमको ड्यूटी नहीं करने दूँगा, ड्यूटी करने आओगे तो मैं तुमको मरवा के फेंकवा दूंगा। सब कई तरह की मुझे धमकी दिया, जिसके चलते हमारे घर के लोग बहुत परेशान रहते थे। आप और कितने सालों से पैसा दे रहे हैं उनको? उससे हम लड़की की शादी 2015-14 में किए थे। अच्छा। 15-16-17 तक मैं ऐसे शादी, मेरे को अच्छी तरह ध्यान नहीं है, पर मैं उनसे कुछ ही पैसा लिया था, जो कि आज भी मेरे को एक दिन 3 नंबर धर्मेंद्र के होटल के बगल में अपना चौरसिया भैया का होटल है, उस होटल में भी मुझे एक दिन शाम को मुलाकात किया तो मुझे गाली दिया। बोला ठीक है, आप यहाँ शिकायत दर्ज करा चुके हैं। और मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। बोला वो मैं तुमसे इसलिए पैसा दे रहा हूँ कि तुम अपना काम चलाओगे, बाद में मुझे बताया कि मैं तुमसे इतना परसेंट ब्याज लूँगा। कितना लिए थे पैसा आप उनसे? मैं उनसे लिया था करीब 170,000 रुपया पहले लिया था, जिसमें 58,000 रुपया मैं उसको दे चुका हूँ। इसके बाद मैं पैसा उसको हर महीना 12,000-15,000 अभी तक देते भी आता हूँ, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि अपना पैसा अपना अकाउंट में डलवाइए तो बोलता नहीं, अकाउंट में हम नहीं डलवाएंगे, अकाउंट में डालोगे हम, मेरे को तरह तरह की धमकी देता है। यहाँ तक कि मेरे घर में भी जाकर वो
मेरे बहुएं को, मेरे घर वाली को और मेरे बच्चों को धमकी देकर आया है और बोला मैं ये करवा दूंगा, तुमको ड्यूटी नहीं करने दूंगा, ड्यूटी करने आओगे तो मैं तुमको मरवा के फेंकेंगे। मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद गोस्वामी है, मैं खैराहा माइंस में गार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। मैं कालू सेठ धनपुरी वाले से 20,000 रुपए लिया था 2013 में, तो 3 महीना बाद उन्होंने लोन करवाया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 3,39,000 का, जिसमें मुझे रुपए उन्होंने 25,000 दिया और 3,10,000 रुपए बोले कि अभी मैं पैसा जमा करूंगा बैंक में, कम है इसलिए मेरे को दे दो, तो मेरी घरवाली नहीं दे रही थी। फिर मैं ज़बरदस्ती अपने घरवाली से दिलवाया और जमा कर दिए और बोले घर में आना तो मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। घर में गए तो उनका बड़ा भाई जवाहर सेठ दैया मैया गाली दे के हमको भगा दिया। हम थानों में गए रिपोर्ट करने, वहाँ भी हम धनपुरी थाना में गए, अमलाई में गए, हमारा कहीं नहीं सुनवाई किया गया। कब गए थे शिकायत करने? उसके सवेरन दिन गए थे सर। अरे आज अभी आप कहाँ आए हुए हैं? अभी ये हम सुने थे, हमारे खैराहा माइंस के मैनेजर साहब ने हमको बुला के बताया कि कलेक्टर साहब या एसपी साहब आने वाले हैं, एक कल वहाँ तुम चले जाना, इसलिए हम आए हैं शिकायत बताने के लिए। क्या बोले साहब यहाँ शिकायत की? कि ये बताए हैं कि आपका समस्या का निराकरण हो जाएगा। मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद गोस्वामी है, मैं खैराहा माइंस में गार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। मैं कालू सेठ धनपुरी वाले से 20,000 रुपए लिया था 2013 में, तो 3 महीना बाद उन्होंने लोन करवाया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 3,39,000 का, जिसमें मुझे रुपए उन्होंने 25,000 दिया और 3,10,000 रुपए बोले कि अभी मैं पैसा जमा करूंगा बैंक में, कम है इसलिए मेरे को दे दो, तो मेरी घरवाली नहीं दे रही थी। फिर मैं ज़बरदस्ती अपने घरवाली से दिलवाया और जमा कर दिए और बोले घर में आना तो मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। घर में गए तो उनका बड़ा भाई जवाहर सेठ दैया मैया गाली दे के हमको भगा दिया। हम थानों में गए रिपोर्ट करने, वहाँ भी हम धनपुरी थाना में गए, अमलाई में गए, हमारा कहीं नहीं सुनवाई किया गया। सर, जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई, पूरे प्रदेश में इस कार्रवाई की चर्चा है, कहीं ना कहीं कोयलांचल जो एक इलाका है उस क्षेत्र में इस तरह के जो सूट फोर थे वो एक्टिव थे लगातार और इस तरह की चीज़ें जो थी वो सामने आई हैं, तो क्या कोयलांचल ही टारगेट करके रखे थे सूट को? इस तरह की कोई जाँच में चीज़ें स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर इस तरीके के अपराध उन जगहों पर घटित होते हैं जहाँ पर लोग कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं या दबाव में जल्दी आ जाते हैं। ये इस क्षेत्र में इसलिए लंबे समय से सूदखोरों ने इसको अपना गढ़ बना रखा था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार अब इसके खिलाफ बहुत ही प्रभावी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। हम इस क्षेत्र को सूदखोरी के इस कलंक से मुक्त कराकर ही प्रशासन दम लेगा। हमने इस संबंध में थाना धनपुरी और थाना अमलाई जो कि मुख्य थाने हैं कोयला अंचल के, वहाँ पे विशेष डेस्क शुरू किया है। 24 घंटे शिकायत दर्ज करने के लिए इस संबंध में पीड़ित लोगों के लिए विशेष सेल बनाया गया है और मैं और कलेक्टर साहब इसीलिए लोगों के बीच जा जा के उनको उनमें भरोसा जगा रहे हैं, उनमें विश्वास जगा रहे हैं, उनको भय उनका दूर कर रहे हैं कि वो सामने आए, जिससे कि उनको इस शोषण से मुक्त कराया। सर, एक खास बात ये भी है कि प्रबंधन कोयला प्रबंधन को की खामियां भी इसमें सामने आई थी जांच में और उसके बाद आपने निर्देशित किया था और कई सारे जो हैं उनको हिदायत दिए थे कि इस तरह के लोन और पासबुक चेकबुक इस तरह की तमाम खामियां थी जिसके लिए प्रबंधन को आपने चिताया था, ये क्या पूरा मामला? अभी इस संबंध में ये बात निकल के आ रही है कि जो लोन देने के लिए इनकी सोसाइटी होती है वो सोसाइटी के कुछ सदस्य जो हैं वो लोन मांगने के लिए जो कर्मचारी आता है उसको लोन देने की जगह उसको सूदखोरों के पास भेजते हैं और उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके के लोग चिन्हित होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और हम SSCL के अभी GM साहब से भी हमने निवेदन किया है कि इस प्रक्रिया को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं कि मजबूर कर्मचारियों को समय पर लोन
एक पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो सके और जो इसमें दोषी या दागी लोग हैं उनको इस पूरे सिस्टम से पृथक किया जाए। कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्या है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगभग एक महीने से पुलिस अधीक्षक शहडोल इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं और पूरी टीमें लगातार काम कर रही थी और उसी प्रक्रिया में आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध FIR हो चुकी है और हजारों की तादाद में जो ATMs हैं, पासबुकें हैं, खाते हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, वो सब जब्त की गई हैं पुलिस द्वारा विभिन्न थानों की। और उसी कड़ी में कि लोग अपनी बात खुल करके रह सकें, रख सकें और हम लोग उन तक पहुँच सकें और उनको कहीं जिला मुख्यालय पे या थाने पे बुलाने के बजाय हम लोग उस स्थान पे चले जहाँ उनको ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से जितना ज़्यादा सहजता से अपनी बात कह सकें, हम लोग इस वजह से हम और SP साहब यहाँ पे आए हुए हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं पूरी टीम यहाँ पर है, कोलफील्ड के लोग भी अधिकारी हैं यहाँ पे, GM हैं और बाकी लोग जो पीड़ित हैं उन सबको आज यहाँ पे बुलाया गया था। उन्होंने अपनी बात खुल करके रखी हुई है और उनको इस तरह का परिवेश, इस तरह का माहौल मुहैया कराने की कोशिश की गई है कि उनकी जो उनका जो डर है, दबाव है, भय है, वो उससे वो लोग उभर करके अपनी बात कहने के लिए आए। अभी तक आप जैसा कि देख रहे हैं कि 35 एप्लीकेशन आ चुकी हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों की और उनके रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। अभी भी काउंटर पर कम से कम 15-20 लोग हैं जो अभी अपनी बात कहने के लिए अपने आवेदन पत्र देके वो कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पर रुके हुए हैं जब तक अंतिम व्यक्ति आज के शिविर में मौजूद अपनी बात कह नहीं लेता, अपना एप्लीकेशन नहीं दे देता है और हम लोग उसका पंजीयन नहीं कर लेते तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। डिटेल आपको SP साहब बताएंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।